मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है दिग्विजय सिंह की ओर से बजरंग दल पर दिए बयान को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली है नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कुछ लोगों का आई फ्लू अब ठीक हो रहा है दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीतने के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे बजरंग दल में भी कुछ अच्छे लोग हो सकते हैं इसलिए हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे पर जो भी व्यक्ति गड़बड़ी करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा अब दिग्विजय सिंह के इस बयान पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली है गृहमंत्री मिश्रा ने कहा कि बजरंग दल पर बैन लगाना तो दूर इस बारे में कांग्रेस सोच भी नहीं सकती है मंत्री मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों का आई फ्लू अब ठीक हो रहा है कुछ दिनों में सारे जाले साफ हो जाएंगे गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि पहले पाकिस्तान जिंदाबाद काजी शाह जिंदाबाद सुनाई देता था लेकिन अब ऐसा नहीं है गृह मंत्री मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के ऐसी बहुल क्षेत्रों के दौरे पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह जहां जहां जाएंगे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा गृह मंत्री मिश्रा ने गुलाम नबी आजाद के बयान का भी समर्थन किया मिश्रा ने कहा कि आजाद कांग्रेस से दूर होने के बाद सच बोल पाए हैं कांग्रेस अपने नेताओं को सच बोलने से रोकती है सिंह जी के बयान के बारे में, में प्रतिबंध लगाना तो दूर प्रतिबंध की सोच भी नहीं सकते और ये पत्र भी उस समय मैंने जो है दो तीन पांच तेईस को जारी किया था ये मेरी बाइट है जो उस समय मैंने बोला था प्रतिबंध लगाना तो दूर इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है किसी का आई फ्लू दूर हो रहा है धीरे धीरे उसे अच्छे लोग नजर आ रहे हैं राष्ट्रवादी संगठन में थोड़े दिनों में ये आई फ्लू का जाला हत हो जाएगा तो उनको समझ में पूरा आ जाएगा कि बजरंग दल राष्ट्र भक्तों का ही संगठन है जो अभी कुछ-कुछ पे आए हैं वो पूरे पे आएंगे गृहमंत्री ने कमलनाथ पतनज कसते हुए कहा कि हिंदू और हिंदुत्व को अलग करने की सोच रखने वाले चुनावी हिंदू कांग्रेस के नेता चुनाव आते ही महाकाल जाने के साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने लगे हैं कथा करवाने लगे हैं लेकिन जनता सब जानती है सतना में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गृहमंत्री मिशाने कहा कि ये मानसिक बीमार टाइप के लोग हैं ये बहुत घृणित कृत्य है आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला भेजा जाएगा ये देखो महाकाल जाने लगे ये कावड़ यात्रा में जाने लगे ये सब कथा कराने लगे जनता सब समझ रही है कि मेवात पे क्यों नहीं बोले उज्जैन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद आपको काजी साहब जिंदाबाद कैसे सुनाई देने लगा जनता जानती है ये बात को बहुत दिलिप्त कृत्य है ये जिस तरह से ये दरअसल मानसिक बीमार टाइप के लोग हैं और उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है पास को एक्ट एस सी एक्ट ये सब धाराएं उस पर लगा दी गई हैं आप देख रहे हैं दखल न्यूज